महाराष्ट्र से महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री सी विद्यासागर राव जी या महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये ज्यांनी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात एक नवीन क्रांती सुरू केली ते आपले सर्वांचे लाडके केंद्रीय मंत्री आमचे नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी, आपले गृहराज्य मंत्री भारत सरकार हंसराज भैया अहिर, महाराष्ट्र सरकारचे वित्त मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय श्री राजे अमरेशराव महाराज, तेलंगणाचे मंत्री या ठिकाणी आलेले श्री टी नागेश्वरराव जी, खासदार श्री अशोक नेतेजी, आमदार देवराव होळीजी, आमदार कृष्णा गजबेजी, आमदार मुकेश धांगडियाजी, नगराध्यक्ष राजू पेदापल्लीजी या ठिकाणी उपस्थित, बांधकाम विभागाचे सचिव सीपी जोशी, विभागीय आयुक्त श्री अरुप कुमार, जिल्हाधिकारी श्री गंगा नायक, पोलीस अधीक्षक श्री देशमुख या ठिकाणी उपस्थित, सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मैं सबसे पहले देश के रस्ते विकास मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस गढ़चिरौली जिले का चेहरा बदलने के लिए, इस गढ़चिरौली जिले के हर कोने में विकास पहुंचाने के लिए, इस गढ़चिरौली जिले को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आज 12,000 करोड़ रुपए के रास्ते और पुलिया इस गढ़चिरौली जिले को माननीय नितिन जी के माध्यम से मिला। आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ नितिन जी का स्वागत करें। आज इस पुलिये के उद्घाटन के लिए हम लोग यहां पर एकत्रित आए और मैं ऐसा मानता हूं कि ये गोदावरी के ऊपर जो सेतु तैयार हुआ है, महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाला सेतु, निश्चित रूप से हमारे गढ़चिरौली के विकास में एक मील का पत्थर स्थापित होगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही कनेक्टिविटी मिलती है, जैसे ही रास्ते मिलते हैं, उसके माध्यम से समृद्धि आती है, उसके माध्यम से रोजगार आता है। और इस पुलिये ने तो यह साबित भी कर दिया, जिसका उल्लेख आदरणीय नितिन जी ने यहां पर किया, कि जहां पर रॉयल्टी 5 करोड़ रुपए में भी मिलती थी, वहां 50 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलना शुरू हुई है। और इसलिए अब एक नया आर्थिक इस प्रकार की संपन्नता की ओर इस सेतु से हमारा मार्गक्रमण शुरू हुआ है। आज इसके साथ साथ दो और सेतुओं का भूमि पूजन हमने किया है और साथ ही में गढ़चिरौली से लेकर हैदराबाद तक एक नई बस की शुरुआत भी आज हमने की है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से नया रिश्ता यहां पर तेलंगाना के साथ हम लोगों का निश्चित रूप से आज इस पुलिये के माध्यम से नागेश्वर राव जी स्थापित हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि इससे हमारे संबंधों में और ज्यादा सुधार आएगा और एक दूसरे को मदद करते हुए दोनों राज्य आगे बढ़ने का निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। मेरा इस सिरोंचा के साथ काफी पुराना संबंध भी रहा है, क्योंकि कालेश्वर के मंदिर में मैं कई बार आया हूं और मुझे याद है लोग 1 जनवरी को अलग अलग जगह पर जाते हैं, 31 दिसंबर मनाते हैं, पर मैं याद करता हूं कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं 31 दिसंबर की रात को सिरोंचा में रुककर सुबह 1 जनवरी को कालेश्वर का दर्शन लेकर उसके बाद नागपुर में वापस गया हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि श्री कालेश्वर का आशीर्वाद ये मुझे प्राप्त हुआ, इसीलिए आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मुझे मिली है। वैसे तो उस मंदिर में अब तक हम नाव में बैठकर जाते थे, अब ये पुलिया सुधीर भाव तैयार हो गया तो नाव में बैठने का आनंद हम नहीं ले पाएंगे, पुलिये से सीधे वहां चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो विकास शुरू होगा, जो पर्यटन का विकास शुरू होगा, वो भी अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा रोजगार देने वाला ऐसा विकास यहां पर होगा। निश्चित ही सुधीर भाव ने हमारे इस जिले के विकास की जो एक संकल्पना आपके सामने रखी है,
सुधीर भाई हमारे राज्य के वित्त मंत्री है और वैसे भी राज्य की तिजोरी ये वित्त मंत्री के हाथों में होती है, तो कोई भी प्लान तैयार करे लेकिन अगर वित्त मंत्री तिजोरी की चाबी न दे तो प्लान कोई तैयार नहीं हो सकता, वो कोई कार्यान्वित नहीं हो सकता। लेकिन मुझे खुशी है कि राजे अम्बरीश राव होंगे, हमारे अशोक राव नेते होंगे, हम सब ने मिलकर इस गढ़चिरौली जिले के विकास का जो एक संकल्प तैयार किया उस संकल्प को आगे बढ़कर सबसे ज्यादा आर्थिक मदद अगर किसी ने दी होगी तो हमारे वित्त मंत्री सुधीर भाव मुनगंटीवार ने जी ने दी। और उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र की जो हमारी तिजोरी है ये गढ़चिरौली जिले के लिए निश्चित रूप से खोली जाएगी और गढ़चिरौली जिले का जो विकास इतने सालों में नहीं हो पाया उस विकास को, उस विकास की संकल्पना को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। सच तो यह है कि 70 सालों की स्वतंत्रता के बाद भी आज भी हमारे गढ़चिरौली जिले में कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची। कुछ प्रयास किए गए लेकिन वो प्रयास उतने कारगर नहीं साबित हुए और मैं ऐसा मानता हूं देश के प्रधानमंत्री जी ने यह सपना देखा है कि 2019 साल तक इस देश का एक भी गांव, एक भी कस्बा ऐसा न बचे कि जहां पर बिजली न पहुंची हो। और हमने यह संकल्प किया है, मैं जिलाधिकारी हमारे रंगा नायक इनसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने उसका प्लान तैयार किया और उन्होंने कहा अगर मुझे 20 करोड़ रुपया मिलता है तो गढ़चिरौली के हर गांव तक मैं बिजली पहुंचाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं मार्च में हमारा बजट आएगा, 20 करोड़ रुपया इसी साल हम आपको देंगे और गढ़चिरौली के हर गांव में बिजली पहुंचे ये व्यवस्था हम लोग खड़ी करेंगे। आज गढ़चिरौली ने हमारी वन संपदा को यहां पर सुरक्षित रखा है, इसीलिए गढ़चिरौली में बड़े बड़े इरीगेशन के प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर भूगर्भ का जो पानी है वो काफी ऊपर है। हमारे जीएसडीए ने बताया गढ़चिरौली एक ऐसा जिला है जिस जिले में आप ज्यादा से ज्यादा कुएं दीजिए, कुओं के माध्यम से यहां पर इरिगेशन का काम, सिंचाई का काम, हमारे किसानों के खेत में पानी देने का काम हो सकता है। हमने तुरंत योजना तैयार की, सुधीर भाव ने उल्लेख किया, हमने 10,000 कुएं इन सुधार के लिए तुरंत मंजूर किए, साथ में बिजली का कनेक्शन और पूरा उसका एक ढांचा हमने तैयार किया। और मुझे इस बात की खुशी है लोगों का रिस्पांस भी ज्यादा है, हमने जो लक्ष्यांक तैयार किया था उससे 1,000 ज्यादा लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन दी है। और इसलिए मैं आज ये ऐलान करता हूं जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं उन 1,000 लोगों को हम वंचित नहीं रखेंगे, उनके लिए भी हम पैसा देंगे और उन सभी के खेती में कुआं तैयार हो इसकी व्यवस्था होगी, उनको बिजली का कनेक्शन मिले इसकी भी व्यवस्था होगी। हमारे राजे अम्बरीश राव जी ने यहां पर बताया मेड़ीगट्टा का बैरेज जो तैयार होने वाला है उसको तैयार करने के बाद बड़े पैमाने पर हमको भी पानी उपलब्ध होगा। और जो बात उन्होंने कही वो सही है, एक भी घर हम उसमें नहीं लेंगे, एक भी गांव हम उसमें नहीं लेंगे। हमने जो उसका नया आराकड़ा तैयार किया और मैं तेलंगाना सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमने उनको कहा हम अपना गांव नहीं दे सकते, हमारा घर नहीं दे सकते, आप जिस प्रकार की हाइट हम कह रहे हैं उस प्रकार की हाइट को आप मान्य कीजिए। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने 2 कदम आगे बढ़कर हमारी बात को मान्य किया जिसके चलते अब एक भी घर नहीं, एक भी गांव नहीं, लेकिन साथ में बड़े पैमाने पर पानी हमको उपलब्ध होगा। और जो जमीनें थोड़ी इसमें जाएगी उन जमीनों का दाम भी हमने महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि रेट रेगुलर का जो रेट होगा उसे 4 गुना दाम हम किसानों को देंगे, किसानों की जमीन कम मदामों में किसी हालत में नहीं लेंगे। और इससे इतने बड़े पैमाने पर बैक वाटर हमको उपलब्ध होगा, पानी उपलब्ध होगा, उसको लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम लोग हमारे किसानों के खेती तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ अभी आदरणीय राज्यपाल जी बैठे थे, राज्यपाल जी ने कहा आप ये बेड़ीगट्टा के माध्यम से जो पानी गढ़चिरौली को मिल रहा है इसके ऊपर लिफ्ट इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट है वो तुरंत तैयार कीजिए। और राज्यपाल जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, गढ़चिरौली के लिए आप जितने प्रोजेक्ट तैयार करेंगे वो सारे प्रोजेक्ट को मैं मान्यता दूंगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गढ़चिरौली में एक नई आप इरिगेशन की क्रांति इस माध्यम से निश्चित रूप से हम तैयार करने वाले हैं।
तरीके से होते हुए यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि जो टाटा नगर में टाटा ने इतना बड़ा इस्पात का एम्पायर तैयार किया, बचपन में हमको कहानियां सुनने को मिलती थी। मैं भी चंद्रपुर जिले का हूं तो कहानियां सुनता था कि पहले वो गड़चिरौली आना चाहते थे, यहाँ पर आकर वो अपनी इंडस्ट्री तैयार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री तैयार नहीं करने दी तो टाटा नगर चले गए। कितनी समृद्धि वहां पर आई, हजारों लोगों को रोजगार मिला, आज वहां पर गरीबी समाप्त हो गई और एक अत्यंत विकसित ऐसा टाटा नगर हमको देखने को मिलता है। शायद उस समय वो यहाँ पर उसको प्रस्तावित कर सकते, यहाँ पर उसको विरोध नहीं होता, तो जो समृद्धि आज टाटा नगर में हमको दिखाई पड़ती है वो गड़चिरौली में हमको दिखाई पड़ती, यहाँ के युवकों के हाथों को रोजगार मिलता हुआ हमको दिखाई पड़ता। लेकिन जब जागो तब सवेरा, और इसलिए अब गड़चिरौली में हमने यहाँ पर तय किया है इसी समृद्धि को हम लाएंगे। सुरजागढ़ में माइनिंग की शुरुआत हुई, उसमें कुछ लोगों ने खलल डालने का प्रयास किया है। ये माइनिंग हम लोग अगर कर रहे हैं तो गड़चिरौली के विकास के लिए कर रहे हैं, यहाँ के भूमि पुत्रों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं ऐसी कोई माइनिंग नहीं करने दूंगा जिससे यहाँ के पर्यावरण का नाश हो, मैं ऐसी कोई माइनिंग नहीं करने दूंगा जिसमें भूमि पुत्रों को रोजगार न मिले। भूमि पुत्रों को रोजगार मिलेगा तो ही माइनिंग की जाएगी, और गड़चिरौली जिले के बाहर प्रोसेसिंग नहीं करने दिया जाएगा। हमने साफ शब्दों में कहा है, अगर माइनिंग यहाँ करनी है तो यहाँ का रॉ मटेरियल बाहर ले जाओगे और बाहर के राज्यों को आप समृद्ध करोगे, ये नहीं चलेगा। यहाँ की माइनिंग अगर करनी है तो इस्पात का कारखाना भी गड़चिरौली में ही लगाना पड़ेगा, यहाँ की बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, यहाँ के युवकों को ही आपको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। और उसके लिए भी हमने जगह देख ली है, गड़चिरौली जिले में ही फैक्ट्री लगेगी, जो माइनिंग होगा गड़चिरौली जिले में होगा, माइनिंग करने वाले गड़चिरौली जिले के लोग होंगे, जो फैक्ट्री लगेगी गड़चिरौली जिले में लगेगी, वहां पर काम करने वाले सारे के सारे गड़चिरौली जिले के होंगे, और भूमि पुत्रों को न्याय मिलेगा तो ही परमिशन मिलेगी। भूमि पुत्रों को न्याय नहीं मिलेगा तो परमिशन नहीं मिलेगी। नितिन जी ने बिल्कुल सही बात कही है, जो लोग इसमें खलल डालना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, आप जन विरोधी हो, आप गड़चिरौली की जनता का विकास नहीं होने देना चाहते, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं चाहे कुछ हो जाए अब गड़चिरौली को हम पिछड़ा नहीं रहने देना चाहते। कितने दिनों तक हम ये सुने कि मानव विकास के निर्देशांक में सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा, तो हमारा गड़चिरौली जिला। अब इसके बाद हम ये नहीं सुनना चाहते, हम इस जिले को आगे ले जाना चाहते हैं, और आज इस जिले को आगे ले जाने के लिए सबसे क्रांतिकारी चीज अगर कोई हुई होगी तो माननीय गडकरी जी ने जो आज हमको रास्तों का नेटवर्क दिया है जिससे कनेक्टिविटी तैयार होगी। अब गड़चिरौली से जाने वाला कोई भी रास्ता और गड़चिरौली में आने वाला कोई भी रास्ता, ये सीमेंट कॉन्क्रीट का 2 लेन का 4 लेन का रास्ता हमको तैयार करके मिलेगा तो सीधे सीधे यहाँ पर बड़े पैमाने पर समृद्धि आएगी। और इसलिए आज के इस मौके पर माननीय नितिन जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय हमारे राज्यपाल जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका गड़चिरौली की ओर बहुत ध्यान है, वे हमेशा ये पूछते थे कि इस ब्रिज का क्या हुआ, इसकी डे टू डे जानकारी माननीय राज्यपाल जी ने ली, और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का अभिनंदन मैं करना चाहता हूं, बहुत कम कालावधि में इतना डिफिकल्ट काम होते हुए भी उन्होंने इस काम को यहां पर अंजाम दिया, और उसके बाद आज इस काम की शुरुआत यहां पर हो गई। मैं हंसराज भैया आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपने बड़े पैमाने पर एलडब्ल्यूई के माध्यम से हमको रोड के लिए पैसे दिए और जिसके माध्यम से यहाँ का विकास निश्चित रूप से होगा, और मेरा विश्वास है जहाँ पर राजे अम्बरीश राव और अशोक नेते इनके जैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से विकास का एक नया पर्व गड़चिरौली में शुरू होगा, और उस पर्व को शुरू करने के लिए फिर एक बार आप सभी की ओर से माननीय गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।